अगस्त और सितंबर में ग्वार में जो तेजी आई थी वो फंडामेंटल वाली तेजी नहीं थी। ग्वार की कीमतों में तेजी की अफवाह इतनी फैलाई गई थी जिससे तेजी बन गई थी। इस तेजी को न्यायोचित भी कह सकते हैं। ग्वार में ज्यादा और लंबे सौदों की लिवाली से तेजी देखी गई थी और अब इसकी कीमतों में न्यूट्रल स्टेज देख रही है। ग्वार में कीमतें उचित नहीं है। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक ग्वार की कीमतों में जो तेजी बनी थी वो उचित नहीं थी। ग्वार की कीमतों में मौजूदा स्तर पर खरीदारी से बचना चाहिए। ग्वार सीड और ग्वार गम में गिरावट और गहरा सकती है। ग्वार की कीमतों में उठापटक काफी ज्यादा है। वायदा में ग्वार में कभी ऊपरी तो कभी निचले स्तर पर सर्किट भी लगते नजर आते ही रहते हैं। अजय केडिया के मुताबिक ग्वार सीड में खरीदारी करने या फिर इसका ट्रेंड देखने के लिए कम से कम 5400 के स्तर पर इंतजार करना चाहिए, तभी इसकी मंदी तेजी की दिशा तय की जा सकती है। वहीं ग्वार गम जनवरी 2021 से अब तक 100% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। अजय केडिया का कहना है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर ग्वार गम का भाव डबल हो जाता है तो इसके अच्छे विकल्प भी मार्केट में मौजूद हैं। ग्वार गम में 9500 से 9800 के स्तर आने का इंतजार करना चाहिए और फिर मार्केट को वॉच करना चाहिए यानी देखना चाहिए। अजय केडिया के मुताबिक ग्वार गम में ग्वार सीड के मुकाबले ज्यादा तेजी है और वर्तमान में जो स्तर है उन पर खरीदारी से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।